तो हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल इंडियन जॉब में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ICF रेलवे रिक्वायरमेंट 2024 के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ICF रेलवे में एक अप्रेंटिस के पद पर भर्ती निकाली गई दोस्तों, तो उसी का आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं दोस्तों कि आप आवेदन फॉर्म किस तरह से मोबाइल से भर पाएंगे दोस्तों। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो नीचे का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा और इस भर्ती को उन दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा दोस्तों जो रेलवे के लिए यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। तो आवेदन फॉर्म भरने से पहले इस भर्ती के बारे में यहाँ पे कुछ जानकारी दे देते हैं दोस्तों, जो आपके लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण साबित होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अप्रेंटिस के पद पर यह भर्ती जारी किया गया दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 1010 पदों पर भर्ती निकाली गई दोस्तों। इसका आवेदन प्रक्रिया आप ऑनलाइन कर पाएंगे दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ से वैकेंसी जारी किया गया दोस्तों। जॉब लोकेशन चेन्नई के लिए रहने वाले दोस्तों। यहाँ पे पूरे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है दोस्तों। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात की जाए तो 10वीं और ITI है, तो अभी आप आसानी से आवेदन कर पाएंगे दोस्तों। एज लिमिट के बारे में बात की जाए जाए तो आपका एज 15 वर्ष से लेकर 24 वर्ष के बीच है, तभी आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों, अन्यथा आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। एज में छूट भी मिलेगी दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं ST/ST वालों को 5 वर्ष, OBC वालों को 3 वर्ष छूट भी दिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आगे यहाँ पे सिलेक्शन मोड यहाँ पे मेरिट के बेसिस के आधार पर होगा दोस्तों। एप्लीकेशन फी के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं जनरल OBC के लिए 100 रुपये लगने वाली है, बाकी ST/ST फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल फ्री में आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर पाएंगे दोस्तों। आवेदन करने के लिए आपको गूगल में जाकर यहाँ पे यह साइट को टाइप करना होगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं www.pbict.in सर्च करना होगा दोस्तों, इसी साइट के पर आने के लिए आवेदन करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन 22 मई 2024 से शुरू कर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं 21 जून 2024 तक चलने वाले दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी वाइज करके एज लिमिट के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है, कौन सा कैटेगरी के लिए कितने पदों पर भर्ती निकाली गई दोस्तों, चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पूरी जानकारी को यहाँ पे मेंशन किया गया दोस्तों। यह ITI के लिए है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अगर आपके पास ITI है तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप 10वीं पास है सिंपली तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात की जाए, 10वीं और ITI आपके पास है तो आसानी से आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं एज लिमिट वगैरह के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे सैलरी के बारे में यहाँ पे बात की जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कैटेगरी वाइज करके यहाँ पे सैलरी के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आप आवेदन फॉर्म किस तरह से भर पाएंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। आवेदन फॉर्म को भरने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इस साइट को आपको जाकर गूगल पर टाइप करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं इसी वेबसाइट के माध्यम से आप आवेदन फॉर्म को भर पाएंगे दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसे गूगल पर जाकर टाइप करना होगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपको इस पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने दो विकल्प दिखाई देगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपके पास ITI सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस विकल्प के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट है, केवल 10वीं पास किए हैं, तो आपको इस विकल्प को सेलेक्ट करना होगा दोस्तों। जो भी विकल्प सेलेक्ट करेंगे आगे यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सेम प्रोसेस है दोस्तों, आप यहाँ पे आवेदन आसानी से कर पाएंगे चाहे जो भी सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अपने अनुसार यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का पेज खुल जाएगा दोस्तों, यानी कि एप्लीकेशन का। यहाँ पे देख सकते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन मांगा जा रहा है, तो सबसे पहले वाले बॉक्स में यहाँ पे अपना नाम यहाँ पे फिल करना होगा दोस्तों। 10वां का डॉक्यूमेंट के अनुसार यहाँ पे नाम फिल कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपका यहाँ पे फादर नेम मांगा जा रहा है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे फादर नेम डालना होगा। नेशनलिटी में यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करना होगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे मदर नेम मांगा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, पूछा जा रहा है आपका फादर या मदर। यहाँ पे देख सकते हैं पहले से यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस किए थे दोस्तों, यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में थे तो है तो यस कीजिए, अन्यथा सिंपली नो पर ही रहने दीजिए दोस्तों। उसके देख सकते हैं अगले ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि आपके तमिलनाडु इम्प्लॉय में पहले से रजिस्ट्रेशन थे तो यस कीजिए, अन्यथा नो पर ही रहने दीजिए दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कम्युनिटी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा दोस्तों, अपने अनुसार यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना होगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए फोटो का साइज बताया गया है जो 2 से लेकर 200 KB के बीच में होना चाहिए दोस्तों। ओनली फॉर यहाँ पे देख सकते हैं JPG या JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक हेयर पर यहाँ पे चूज फाइल पर क्लिक कर आप फोटो को आसानी से अपलोड कर पाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, सिंपली अपना कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना होगा, यानी कि टाइप करना होगा, कैलेंडर से चूज करना होगा दोस्तों। यहाँ पे आधार नंबर मांगा जा रहा है, यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे मांगा जा रहा है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जेंडर को सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने अनुसार यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना होगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपके बॉडी में कोई तिल या कट वगैरह के मार्क का निशान है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे 2 मांगा जा रहा है
तो है तो यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों, नहीं है तो सिंपली नो मार्क कर छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सभी डिटेल को सही से चेक करने के बाद आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। अगले ऑप्शन में यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पे कोड मांगा जा रहा है, यानी कि आपका पिन कोड यहाँ पे डालना होगा दोस्तों, अपने एरिया का यहाँ पे पिन कोड डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों लाइनों को मिलाकर यहाँ पे एड्रेस फिल करना होगा दोस्तों, दोनों लाइनों को मैनेज कर यहाँ पे विलेज के अनुसार है तो विलेज के अनुसार, सिटी के अनुसार है तो सिटी के अनुसार यहाँ पे एड्रेस को डाल सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे सिटी का नाम डालना होगा, उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, स्टेट सेलेक्ट करना होगा दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना होगा और यहाँ पे एक ईमेल आईडी डालना होगा दोस्तों। मोबाइल नंबर ऐसे डालिएगा जिसमें ओटीपी जाता हो। उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे विकलांग वाला सेक्शन खुल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं, यहाँ पे दिव्यांग है तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा दोस्तों, नहीं है तो सिंपली नोट एप्लीकेबल पर क्लिक कर छोड़ दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर है तो यहाँ पे बताना होगा कितना परसेंटेज है दोस्तों, सर्टिफिकेट यहाँ पे देना होगा। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट का इशू डेट यहाँ पे बताना होगा दोस्तों, अगर नहीं है तो सिंपली नो एप्लीकेबल पर क्लिक कर यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अगले ऑप्शन में यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का यहाँ पे डिटेल मांगा जाएगा दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी वहाँ पे सिलेक्ट किए होंगे दोस्तों, अगर आप सिंपली 10वीं पास से आवेदन कर रहे हैं तो आपको 10वीं का यहाँ पे डिटेल मांगा जाएगा दोस्तों। अगर आप आईटीआई सेलेक्ट किए होंगे तो आपको यहाँ पे आईटीआई का यहाँ पे डिटेल यहाँ पे देना होगा दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैट्रिक सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद मैट्रिक का सर्टिफिकेट नंबर देना होगा दोस्तों, उसके बाद पासिंग ईयर बताना होगा, यहाँ पे टोटल मार्क बताना होगा दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल मार्क यहाँ पे दे सकते हैं, उसके बाद कितना मार्क आपको मिला है यहाँ पे देना होगा दोस्तों, परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पे अकाउंट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप 12वीं पास कर चुके हैं तो यहाँ पे जानकारी देना होगा दोस्तों, उसी प्रकार से 12वीं पास सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, पासिंग ईयर बताना होगा दोस्तों, टोटल मार्क वगैरह बताना होगा। अगर नहीं है तो सिंपली इसे छोड़ भी सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, बोला जा रहा है अप्लाई फॉर MLT, तो यहाँ पे अगर आप MLT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सिंपली यस करना होगा दोस्तों, नहीं करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे छोड़ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं MLT के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे 12वीं का जानकारी देना आवश्यक होगा दोस्तों, आप यहाँ पे खाली नहीं छोड़ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप EX ITI सेलेक्ट किए होंगे तो यहाँ पे ट्रेड वगैरह के बारे में यहाँ पे जानकारी देना होगा दोस्तों, ITI वगैरह के बारे में यहाँ पे बताना होगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पे क्लिक करना होगा दोस्तों नेक्स्ट वाले बटन पर। आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपको डिक्लेरेशन को यहाँ पे टिक करना होगा दोस्तों, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक टू हेयर फॉर OTP वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। OTP वाले पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, एक यहाँ पे OTP दिखाया जाएगा कैप्चर की तरह दोस्तों, सिंपली इस बॉक्स में आपको लिख देना है दोस्तों, जिस तरह से यहाँ पे दिखाया जा रहा है उस तरह से यहाँ पे टाइप कर देना, उसके बाद वैलिडेट OTP वाले पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक टू हेयर सेव योर एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखाया जाएगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा। देख सकते हैं दोस्तों क्लिक करने के बाद आपको सीधा डैशबोर्ड पर यहाँ पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा जहाँ से आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर रहे थे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पे पेमेंट जमा करना होगा दोस्तों, अगर आप UR OBC कैटेगरी का कैंडिडेट है तो यहाँ पे पेमेंट आपको लगेगा दोस्तों। सिंपली यहाँ पे प्रोसीड वाले पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर पे पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर आप पेमेंट को जमा कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप अदर कैंडिडेट से है, SC ST यहाँ पे देख सकते हैं फीमेल कैंडिडेट है, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपको पेमेंट यहाँ पे जमा करने का कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। सिंपली आपको क्लिक टू हेयर प्रिंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे विकल्प दिखाई देगा लॉगिन का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन करते वक्त जो भी मोबाइल नंबर डाले होंगे दोस्तों, उस पर एक रजिस्ट्रेशन आईडी होगा, तो सिंपली आपको रजिस्ट्रेशन आईडी डालना होगा दोस्तों। उसके बाद फॉर्म भरते वक्त डेट ऑफ बर्थ डाले होंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे पासपोर्ट के रूप में यहाँ पे डालना होगा दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे डालना होगा दोस्तों, इस फॉर्मेट में आपको डालना होगा। देख सकते हैं सिंपली जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों, नंबर की तरह यहाँ पे बताया गया, देख सकते हैं यहाँ पे 7 अक्टूबर 1998 को यहाँ पे किस प्रकार लिखा गया दोस्तों, उसी प्रकार से अपना डेट ऑफ बर्थ को इसमें टाइप कर यहाँ पे देख सकते हैं वैलिडेट फॉर प्रोसीड टू प्रिंट पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपका एप्लीकेशन फॉर्म का यहाँ पे पूरी तरह डिटेल खुल जाएगा दोस्तों, आप यहाँ पे आसानी से यहाँ पे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे चाहे तो आप PDF के रूप में यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं दोस्तों, या तो चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म का दोस्तों। इस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप आवेदन फॉर्म को भर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और इसी तरह का जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक न्यू फॉर्म की जानकारी के साथ।